गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन के चलते हमारे स्कूल ओपन नहीं हो पा रहे हैं, परंतु फिर भी हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन के जरिए पूरी कर रहे हैं और हम टीचर्स का यही प्रयास है कि आपको अच्छे से वैसे ही समझा पाए जैसे हम स्कूल में समझाते आ रहे हैं। तो आप 7th में 8th क्लास में आए हैं, 8th क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपको पता है कि हिंदी व्याकरण का मैं टॉपिक आपको करवा रही हूँ, जेंडर बोलते हैं। वैसे तो आप फर्स्ट क्लास ही पढ़ते आ रहे हैं कि लिंग क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है जो कि हम चूक जाते हैं समझने में। तो मैं आज आपको यही समझाने का प्रयास करूंगी कि लिंग एक्चुअली में होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति कोमा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी के किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी के देखिए स्टूडेंट्स, शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति कोई भी वस्तु है किसी भी तरह का प्राणी है तो उसके हमें स्त्रीया पुरुष होने का पता चलता है, यानी हमें यह पता चलता है कि यह स्त्री है या पुरुष है, पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे लिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति या वस्तु है प्राणी है उससे हमें ये पता चले कि वह स्त्री है या पुरुष है तो वहां पर क्या होता है, लिंग पता चलता है। जैसे कि अगर हम आपको उदाहरण दें तो मान लीजिए किसी लड़के का नाम है राम, तो राम लड़का है अर्थात वह पुरुष है, तो पुरुष आएगा पुल्लिंग में, ठीक है। और अगर आ गया सीता तो ये स्त्री का नाम है, तो वो स्त्री का नाम जो है वो है स्त्री। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी परिभाषा क्या है, लिंग की क्या परिभाषा दी गई है। अब हम इसके देखेंगे भेद, काइंड ऑफ जेंडर, लिंग के भेद। आपको शायद ये पहले पता होगा या नहीं, पर मैं आपको फिर भी आज बता दूं। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में मुख्य रूप से लिंग के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में मुख्य रूप से लिंग के 2 भेद होते हैं। और अगर पूछा जाए संस्कृत में, तो संस्कृत में 3 होते हैं, जबकि हमें हिंदी करनी है तो हिंदी में कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। सबसे पहला है पुल्लिंग, पुल्लिंग जिससे कि पुरुष का पता चले। अब पुल्लिंग की क्या परिभाषा होती है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पुरुष होने का पता चलता है, ठीक है, तो वह पुल्लिंग है। और यदि स्त्री का होने का पता चले तो वह क्या है, स्त्रीलिंग है। और कुछ हिंदी में ऐसे अपवाद भी हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसा कि मान लीजिए जटा, जरा, माला। लेकिन ये शब्द क्या है, देखा जाए तो पता नहीं चलता, जटा, जरा, माला, ठीक है। हम क्या कहते हैं, जरा, जरा यानी कुछ देर, तो हम ये कहते हैं कुछ देर कह रही है। तो वहां पर जो देर शब्द भी है ना, वह भी स्त्रीलिंग में आता है, माला, माला के मन के फेर रहे हैं। अगर माला शब्द आता है तो माला फेर रहे हैं, माला फेरी जा रही है, ना कि माला फेरा जा रहा है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखिए पुल्लिंग में क्या था, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि राम, लड़का, ये जो शब्द है स्टूडेंट्स ये होते हैं पुल्लिंग के और ये है स्त्रीलिंग के, ठीक है। अब मान लीजिए हमें पहचान कैसे होती है, लिंग की पहचान और परिवर्तन के जो सामान्य नियम है, तो जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापन, बचपन आदि। जो बचपन शब्द है वह भी पुल्लिंग में है। और जिन शब्दों के अंत में ई, या, वट, फट होता है वह स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लड़की, लकड़ी, नदी, कुटिया, मिला, इस तरह से। और अपवाद में शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में अगर अपवाद पूछा जाए कि जिसका हमें पता ही नहीं चलता वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या कुछ भी है, तो मोती, पानी,
दही। अब दही शब्द है, हम नेचुरल भाषा में क्या बोलते होते थे कि मुझको दही खानी है, जबकि दही स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग नहीं है। हमें कहना चाहिए हमें दही खानी है, नहीं दही खाना है, ये बोला जाता है। हमें नहीं पता चला तो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये अपवाद है। एक्चुअल में ये स्त्रीलिंग न होकर पुल्लिंग है, दही खाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे कुछ शब्द है जो अपवाद है, हमें नहीं पता चलता वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कि दही शब्द हमें नहीं पता था, हम तो ये कह रहे थे हमें दही खानी है, जबकि दही खाना है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मान लीजिए पुल्लिंग में छात्र है तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, छात्र, ये इसके परिवर्तन के नियम है। जैसे मान लीजिए कि लड़का पुल्लिंग में है और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी, लड़की, तो ये इनके परिवर्तन के नियम है। तो आगे इन दोनों में भेद भी बताए गए हैं, जैसे कि आपको बताया गया है पुल्लिंग में राम लड़का, लेकिन